बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाउ दिस इज़ आवर फोर्थ लेक्चर ऑफ एनालिसिस ऑफ आवर रिसर्च डेटा थ्रू ए सॉफ्टवेयर कॉल्ड SPSS और स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस। सो इस फोर्थ लेक्चर में हम अब आते हैं और यहाँ पर हम अब एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जिसको एनोवा या एफ टेस्ट भी कहते हैं, वो अब हम परफॉर्म करके देखेंगे और उसको लर्न करने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास रिसर्च डेटा किस तरह का हो तो उसका SPSS पर एनालिसिस किस तरीके से होगा। इससे पहले हम डिफरेंट टी टेस्ट और वन सैंपल टी टेस्ट, टू इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, पेयर टी टेस्ट ये कर चुके हैं जो कि पैरामेट्रिक डेटा में है। अब इसके बाद पैरामेट्रिक डेटा में जो एक और एनालिसिस है जो कि एनोवा है, यानी एनालिसिस ऑफ वेरियंट्स या एफ टेस्ट, ये हम करेंगे। जबकि नॉन पैरामेट्रिक में भी हमने बहुत सारे टेस्ट अब तक कर लिए हैं, जिसमें विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट है, विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट, साइन रैंक टेस्ट और विल्कॉक्सन मैन विटनी टेस्ट, और अगर दो से ज़्यादा वेरिएबल हो, तीन हो, तो क्रोस्कल वैलीज टेस्ट। इसके अलावा जो है वो रिग्रेशन कोरिलेशन टेस्ट, और उसमें पियर्सन कोरिलेशन टेस्ट और स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन टेस्ट, ये हम जो है परफॉर्म कर चुके हैं। तो अब हम आते हैं एनोवा की तरफ। तो एनोवा के लिए हम सबसे पहले देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारे पास द फॉलोइंग, ये सपोज ये डेटा हमने कलेक्ट किया है, द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट्स एरिया अंडर द कर्व ऑफ टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ फाइव पॉपुलर ब्रांड्स ऑफ एसिटामिनोफेन और पैरासीटामोल। ओके, ये एरिया अंडर द कर्व है पांच ब्रांड्स का। ब्रांड ई इज रेफरेंस लिस्टेड एज पर ड्रग बुक, ये जो ब्रांड ई है ये रेफरेंस ड्रग है, बाकी सब ट्रायल बैचेस हैं और ये उनके एरिया अंडर द कर्व हैं। कंपेयर विच ऑफ द ड्रग्स आर बायो इक्विवेलेंट विद ब्रांड ई, इसमें से ये जो ए बी सी डी ड्रग्स हैं जो पैरासीटामोल की हैं, इसमें से कौन सी बायो इक्विवेलेंट है ड्रग ई से, क्योंकि वो ड्रग जो बायो इक्विवेलेंट ई से होगी, जो कि रेफरेंस ड्रग है, स्टैंडर्ड ड्रग है, ब्रांड ड्रग है, ये जो होगी वो इससे बायो इक्विवेलेंट अगर प्रूफ होती है बेस्ड अपॉन एरिया अंडर द कर्व, तो वो बायो इक्विवेलेंट कहलाएगी और वो फिर रजिस्टर हो सकती है फॉर मार्केटिंग पर्पस। सो कंपेयर विच ऑफ द ड्रग आर बायो इक्विवेलेंट विद ब्रांड ई एंड ऑल्सो कंपेयर ड्रग्स विद इन ईच ग्रुप, और इनमें भी आपस में कंपेयर करें ए बी सी डी, ये आपस में इक्विवेलेंट हैं, बायो इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। सो इन स्टडी कंडक्टेड ऑन 8 वॉलेंटियर्स, जो कि क्रॉस ओवर स्टडी है, ये 8 वॉलेंटियर्स पे हुई, यानी हर वॉलेंटियर ने ड्रग ए, फिर वॉश आउट के बाद ड्रग बी, ड्रग सी, ड्रग डी और ड्रग ई ली है। सो चेक स्टेटिस्टिकली दैट वेदर ऑल फाइव ग्रुप्स हैव सिमिलर मीन लेवल ऑफ एरिया अंडर द कर्व। तो इसका नल हाइपोथेसिस बनेगा एरिया अंडर द कर्व्स ऑफ ऑल फाइव ब्रांड्स आर इक्वल, और अल्टरनेट होगा एटलीस्ट टू ब्रांड्स हैव डिफरेंट एरिया अंडर डिफरेंस इन सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन एरिया अंडर द कर्व, ये अल्टरनेट होगा, दो भी हो सकती हैं कोई ब्रांड और दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, इसलिए वर्ड एटलीस्ट यूज़ किया जाएगा। अब हम यहाँ पर आते हैं इसको यहाँ पर डेटा को प्लेस करने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमारी ब्रांड्स हैं वो यहाँ पर मेंशन करेंगे, यानी वेरिएबल को डिफाइन करेंगे, और उसके बाद फिर इनके एरिया अंडर द कर्व्स। तो ये हमने डिफाइन कर दिए, जो ब्रांड्स हैं वो हमारा नॉमिनल डेटा है, और जो ये है एरिया अंडर द कर्व है वो हमारे पास जो है वो स्केल डेटा है। अच्छा जनाब, अब हम आते हैं दोबारा इस पे। तो हमारे पास ब्रांड ए बी सी डी ई, ब्रांड ए को हम कहते हैं ये 1 है, बी को 2 है, सी 3 है, डी ई 4 है, ई जो है वो 5 है। इसको यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर ए बी सी डी करके नहीं, बल्कि हम 1, 2 और 3 करके इस तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे। ब्रांड ए हो गई है, ठीक है, ऐड, अच्छा 2 जो है वो फॉर ब्रांड बी, ये हो गया, 3 जो है वो ब्रांड सी के लिए हो गया, और 4 जो है वो ब्रांड डी के लिए हो गया, और 5 जो है वो ब्रांड ई के लिए हो गया। ये हमने
पांच की पांच ब्रांड डिफाइन कर ली यहाँ पे। अच्छा जनाब, अब हम डेटा यहाँ पर उतारते हैं। ये ब्रांड्स हैं, ये इनके एरिया अंडर द कर्व हैं। ये सबसे पहले ब्रांड ए के एरिया अंडर द कर्व मैंने यहाँ से की है कॉपी, और उसके बाद मैंने कर दिया यहाँ पे पेस्ट। और ये सारी ब्रांड ए हैं जिसको हम वन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हो गए वन। अच्छा, फिर ये ब्रांड बी आए, इसको कॉपी किया मैंने और यहाँ आके इनके एरिया अंडर द कर्व्स मेंशन कर दिए। ये ब्रांड बी है और जिसको हमने टू से लेबल किया है, तो ये यहाँ पर हो गए। उसके बाद है फिर ब्रांड सी जो कि नंबर थ्री से रिप्रेजेंट हो रही है, ये मैंने डेटा कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इस डेटा को भी यहाँ पर, और थ्री जो है सी है, तो ये इस तरह से ये यहाँ पर आ गया। उसके बाद है मेरे पास नेक्स्ट ब्रांड, ब्रांड डी जो कि फोर है, इसका डेटा भी यहाँ पर कॉपी किया और इसको, क्योंकि फोर जो है वो डी है। और उसके बाद लास्ट ब्रांड जो कि फाइव पे है, जो कि ई ब्रांड है, वो उसका डेटा यहाँ पर पेस्ट कर दिया और इसको जो है मैंने क्लासिफाई कर दिया कि ये हो गए मेरे ब्रांड तमाम डिफाइन। अब मुझे एनालाइज करना है। अच्छा, अब एनालाइज करने के लिए मैं एनालाइज में गया, कंपेयर मीन, और ये आ गया वन वे एनोवा। ब्रांड यहाँ ये फैक्टर है और एरिया अंडर द कर्व डिपेंडेबल लिस्ट है। पोस्ट हॉक एनालिसिस में मैं एलएसडी कर सकता हूँ, बॉनफिरोनी भी कर सकता हूँ, टकी एनालिसिस भी कर सकता हूँ और शेफी भी कर सकता हूँ। ये मुख्तलिफ जो मेरे पास पोस्ट हॉक एनालिसिस हैं, ये मैं कर सकता हूँ। इसका मकसद क्या है ये मैं भी आपको आगे समझाऊँगा। तो मैंने अभी सभी पर क्लिक कर दिया, तो ये मेरा डेटा सेट हो गया। यहाँ पर मैंने देखा अगर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स चाहिए यानी डेटा का मीन वगैरह, तो मैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा, वरना अदरवाइज़ मुझे इसको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कंट्रास्ट में मैं देखूँगा कि कोई चीज़ ऐसी है जो, कोई चीज़ ऐसी नहीं है, पॉलीनोमियल में है नहीं डेटा ये, ठीक है। तो ऑप्शंस में डिस्क्रिप्टिव हो गए, बूटस्ट्रैप मुझे करना नहीं है, तो अब मैंने इसको ओके का बटन दबाया और उसके साथ ही ये एनालिसिस हो गया। एनालिसिस होने के बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले ये वाला टेबल देखूँगा कि ये मुझे क्या बता रहा है। एफ वैल्यू आई 3.591 और पी वैल्यू आई 0.015, और क्योंकि ये 0.05 से कम है लिहाजा सिग्निफिकेंट डिफरेंस पाया गया, यानी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। और कम से कम ये तो हमें पता चल गया कि इन तमाम ये जो ड्रग्स हैं, इसमें से कोई कोई ब्रांड्स ऐसी हैं जिनके एरिया अंडर द कर्व्स आपस में मैच नहीं करते, दे आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। हो सकता है सबके ही ने मैच करते हों, और हो सकता है कुछ के मैच करते हों और कुछ के मैच नहीं करते हों। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम ये कैसे पता करेंगे कि किसके एरिया अंडर द कर्व मैच कर रहे हैं और किसके नहीं कर रहे हैं। वो हम पोस्ट हॉक एनालिसिस से करेंगे, जिसमें हमारे पास ये टकी है। टकी में भी हम मालूम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे पता चल रहा है ब्रांड, यहाँ पे कंपेयर है ब्रांड ए और ब्रांड बी, इसमें जो ये सिग्निफिकेंस है 0.907, यानी ये 0.05 से ज़्यादा हो गई। इसका मतलब है इन दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, ए और बी आर सिमिलर इन, ये बायो इक्विवेलेंट है। ए और सी को देखें तो ये भी नॉन सिग्निफिकेंट है, ए और डी को देखें ये भी नॉन सिग्निफिकेंट है, ए और ई को देखें ये भी नॉन सिग्निफिकेंट है। यानी इसका मतलब है ब्रांड ए जो है वो तमाम ब्रांड से बायो इक्विवेलेंट है। अच्छा, ब्रांड बी को देखें अगर हम, बी ए तो वही आएगा ये, ब्रांड बी और सी को देखें नो, यहाँ पे डिफरेंस है क्योंकि ये वैल्यू 0.05 से कम आ गई, यानी ब्रांड बी और ब्रांड सी जो है वो दे आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, और यही वजह है कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। ब्रांड बी और डी को देखें, ठीक है ये भी सिमिलर हैं क्योंकि 0.05 से ज़्यादा वैल्यू है। ब्रांड बी और ई को देखें, ये भी जो है वो 0.05 से ज़्यादा है, तो यानी इनके यूसीज मैच करते हैं, ये सिमिलर है तो बायो इक्विवेलेंट है। सिमिलर ए यू सी का मतलब है बायो इक्विवेलेंट है। इसी तरीके से ब्रांड सी पर आएँ तो सी और ए सी का हो चुका है, बी और सी का भी हो चुका है। सी और डी को देखें, ये भी सिमिलर हैं, 0.05 से ज़्यादा है। सी और ई को देखें, ये भी सिमिलर है। इसी तरीके से डी को देखें,
डी और ई को देखें, सिमिलर हैं ये सभी, सिमिलर हैं। ई किससे मैच कर रही है? इन सबसे ही, ए बी सी डी से मैच कर रही है, यानी तमाम ब्रांड जो है वो सिमिलर है बेस्ड अपॉन टकी एच एस डी। शेफी एनालिसिस के मुताबिक देखें तो वहाँ पे भी हमें यही पता चलेगा, लेकिन एल एस डी सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है और सबसे ज़्यादा एक्यूरेट भी होता है। ये जो है सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है एल एस डी, जिसको हम कहते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस। ब्रांड ए और ब्रांड बी को देखें, इनमें नॉन सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, यानी एरिया अंडर द कर्व ऑफ ब्रांड ए एंड बी आर सिमिलर, दे आर बाय इक्विवेलेंट। बी और सी को देखें, ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस 0.05 से कम, तो ए और सी ए जो है वो बायो इक्विवेलेंट नहीं है। ए और डी दे आर बायो इक्विवेलेंट, ए और ई बायो इक्विवेलेंट, तो ए और ई बायो इक्विवेलेंट। इसी तरीके से बी ए तो हो गया, यहाँ पर ए सी दे आर डिफरेंट 0.05 से कम हो गया, दे आर नॉट बायो इक्विवेलेंट। बी और डी दे आर ऑल्सो नॉट बायो इक्विवेलेंट बेस्ड अपॉन एल एस डी। बी और ई दे आर बायो इक्विवेलेंट क्योंकि ये 0.05 से ज़्यादा है। बी अच्छा से ब्रांड सी को देखें तो सी का बी और ए से तो ऑलरेडी ऊपर यहाँ कंपेरिजन हो चुका है। सी और डी को देखें, दे आर बायो इक्विवेलेंट क्योंकि इनके में नॉन सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। सी और ई भी जो है 0.059, यानी ये भी नॉन सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो गया क्योंकि 0.05 से कम वैल्यू नहीं है। डी को देखें तो डी और ई को देखेंगे क्योंकि सी से तो डी का कंपेरिजन यहाँ हो चुका है। डी और ई को देखें तो ये जो है वो बाय इक्विवेलेंट है क्योंकि 0.05 से ज़्यादा है, यानी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है इसका कि ये दोनों बाय इक्विवेलेंट हैं। तो ये हमने जो है वो कंपैरिजन कर लिया। बेन फिरोनी भी इसी तरीके से हमें यही कंपैरिजन बताता है, ये भी एक जो एनालिसिस है ये भी हमें इसी तरह से कंपेयर कर बताता है जो है पोस्ट हॉक एनालिसिस है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि एल एस डी जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, सबसे ज़्यादा जो कॉमनली यूज टेस्ट है वो एल एस डी है, यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस। तो इस तरह से हमने ये टेस्ट मुकम्मल कर लिया, और ये टेस्ट मुकम्मल करने के बाद अब हम इस नतीजे पर पहुंच गए कि ये जो पांच ब्रांड्स हैं, इसमें से पांच ब्रांड्स को अगर हम कंपेयर करें तो इसमें से जो ब्रांड ई जो कि स्टैंडर्ड है उस एज़ पर एलएसडी को हम देखते हैं, तो एलएसडी से अगर करें तो तमाम ड्रग्स जो हैं वो, यानी तमाम ब्रांड्स ये सब की सब ई से बायोकोवेलेंट है, यानी सब की सब जो है ई से जो है बायोकोवेलेंट है। लेकिन अगर हम इनका आपस में कंपेयर करें ए बी सी डी का, तो फिर हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि जो डिफरेंस है वो सी और बी में है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस, और इसके अलावा जो है वो ए और सी में जो है वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस मौजूद है, जिसकी वजह से नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ है यहाँ पर, और ये सिग्निफिकेंस हमें दे रहा है। क्योंकि अगर ये वैल्यू आती 0.05 या इससे ज़्यादा, तो इसका मतलब ये होता कि ये तमाम ब्रांड्स आपस में सिमिलर हैं और हमें ये एलएसडी की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यही प्रूफ हो रहा है कि ये तमाम ब्रांड जो है वो सिमिलर है, अगर ये वैल्यू आती यहाँ पर 0.05 या इससे ज़्यादा। तो ये हमने जो है वो ये एक टेस्ट मुकम्मल कर लिया जो कि बेसिकली एरिया अंडर द कर्व का हमें एनालिसिस बता रहा है। अब हम आते हैं एक और टेस्ट की तरफ। इस डेटा को मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि हम नेक्स्ट टेस्ट को अप्लाई करें, और इसको भी क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, ज़रूरत नहीं है क्लियर करने की। अच्छा जनाब, अब हम आते हैं एक और टेस्ट परफॉर्म करते हैं। उसके लिए क्वेश्चन क्या है, ये है द डेटा इन द फॉलोइंग टेबल, यानी ये एक रिसर्च से जो है हमें ये डेटा मिला है। द डेटा इन द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ पेन रिलीफ प्रोवाइडेड बाई 5 डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ पेन किलर टेबलेट्स एडमिनिस्टर्ड टू 25 सब्जेक्ट्स। मीन्स ये 25 सब्जेक्ट्स, यानी हर एक को पाँच पाँच। द 25 सब्जेक्ट्स वर रैंडमली डिवाइडेड इंटू 5 ग्रुप्स एंड ईच ग्रुप वॉज ट्रीटेड विद डिफरेंट ब्रांड्स। अब ये पाँच डिफरेंट पेन किलर हैं, ए बी सी डी ई, और हर एक को पेन किलर दी गई और कैलकुलेट किया गया आवर ऑफ पेन रिलीफ फ्रॉम पेन किलर टैबलेट, यानी कितने घंटे उनको पेन रिलीफ मिला। जैसे ये वॉलंटियर, जैसे इस बंदे ने जो यहाँ पे पहला था उसको 5 घंटे रिलीफ मिला, इसका जो पहला था उसको ये ड्रग बी दी थी उससे 9 घंटे रिलीफ मिला, यहाँ पे जो पहला बंदा था उसको इस ब्रांड सी टैबलेट सी से 3 घंटे रिलीफ मिला। तो इस तरीके से ये डेटा हमारे पास कलेक्ट हुआ।
तो अब हम इसका डेटा जो है वो यहाँ पर कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पर पेस्ट करते हैं। ये हमारे पास हो गई, वन, फिर उसके बाद यानी जिसको अभी हम डिफाइन करेंगे, आप चाहें तो डिफाइन कर सकते हैं दोबारा यहाँ आके, ये वेरिएबल वन मेरे पास क्या होगा, पेन किलर्स, और इसकी मेरे पास ये वैल्यूज़ जो है वही वन जो है वो ड्रग ए, टू जो है वो ड्रग बी, थ्री जो है वो ड्रग सी, फोर जो है वो ड्रग डी, और फाइव जो है वो ड्रग ई। तो ये मैंने डिफाइन कर दिया। और ये जो है सेकंड वेरिएबल आवर्स ऑफ पेन, इसमें हम गैप नहीं दे सकते। अच्छा जनाब, अब उसके बाद इनको डिफाइन कर दिया, पेन किलर हो गया नॉमिनल, ये हो गया आवर ऑफ पेन रिलीफ स्केल, ये डिफाइन हमने कर लिए। तो ये पहले पेन किलर हो गए, उसके बाद फिर नेक्स्ट पेन किलर आ गई, ये इसका डेटा कॉपी किया यहाँ से और हमने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। और ये सेकंड पेन किलर है जो कि ड्रग बी है, जिसको हमने टू से लेबल किया है। उसके बाद फिर नेक्स्ट ड्रग आ गई, इसका डेटा हमने कॉपी किया एंड देन वी विल पुट डाउन हेयर, दिस इज़ ड्रग थ्री। देन वी विल हैव नेक्स्ट ड्रग, ड्रग डी, इस द डेटा हैज़ बीन कॉपीड एंड देन वी विल पेस्ट हेयर, दिस इज़ ड्रग फोर। देन वी विल हैव लास्ट ड्रग, ड्रग ई, फर्स्ट वी विल कॉपी द डेटा देन पेस्ट हेयर इन द सॉफ्टवेयर एंड देन लेबल इट फाइव। ये डेटा हमें तंग ना करे, इसको हम क्लियर कर देंगे। तो ये हमारे पास 25 जो है वो पेन किलर का डेटा, 25 पेशेंट का आवर ऑफ पेन रिलीफ का मिल गया। अब इसमें हमारे पास नल हाइपोथेसिस क्या है, परफॉर्म द एनोवा एंड टेस्ट द हाइपोथेसिस एट 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दैट द मीन नंबर ऑफ आवर्स ऑफ पेन रिलीफ प्रोवाइडेड बाय टैबलेट्स इज द सेम फॉर ऑल फाइव ब्रांड्स। यानी नल हाइपोथेसिस ये बनेगा कि तमाम ये जो पांच की पांच ब्रांड है, मीन नंबर ऑफ आवर्स इनका जो पेन रिलीफ है वो सबका सेम है। और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ये है कि कम से कम दो ब्रांड ऐसी होंगी कि जिनका जो ये मीन नंबर ऑफ आवर ऑफ पेन रिलीफ विल नॉट बी सेम, यानी उनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा। तो अब हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं बाय एनोवा। सो पेन किलर इज़ ए फैक्टर, आवर ऑफ पेन रिलीफ यहाँ पर आ गया। पोस्ट हॉक में हमने, अब यहाँ पर हम सिर्फ एलएसडी को सिलेक्ट कर रहे हैं और वही 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, और ऑप्शन में डिस्क्रिप्टिव हमें नहीं चाहिए। चलिए इस दफ़ा आपको डिस्क्रिप्टिव पे मैं ये क्लिक कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये डिस्क्रिप्टिव डेटा क्या होता है। और अब मैंने इसको ओके का बटन दबाया और ये मेरे पास डेटा आ गया, आवर ऑफ पेन, ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आ गया। डिस्क्रिप्टिव में ये आ रहा है, देखें ये ड्रग ए बी सी डी पांच ड्रग्स हैं, ये इनके एन यानी हर एक के पांच पांच जो है वो वैल्यूज़ हैं, और ये ड्रग ई चार क्यों आ रही है ये ज़रा चेक कर लेते हैं। ओके, ये फाइव है, ठीक है, तो ये अब सही आएगा। इसको अभी मैं दोबारा रन करता हूँ, सो वी विल रन इट अगेन ताकि ये जो एरर हो गया है ये ठीक हो। पेन किलर, आवर ऑफ पेन रिलीफ, पोस्ट हॉक में एलएसडी हो गया और दोबारा रन किया, अब मसला नहीं आया। अब ये देखें, पहले मैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स देख लेता हूँ। इसकी जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, ये दोबारा क्यों नहीं आई डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, हमने दोबारा में सिलेक्ट नहीं किया था, तो फिर हम रन करते हैं, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। एनालाइज वन वे एनोवा,
एंड ऑप्शन में डिस्क्रिप्टिव भी क्लिक कर दिया, ओके हो गया। अब ये आ गया, अब ये देखें, ये ड्रग ए, ड्रग बी सी डी, ये वो 1 2 3 4 5 करके जो किया था उसने खुद पैक कर लिया कि कौन वो ड्रग ए बी सी डी है। हर एक की पांच पांच वो वैल्यूज़ हैं, ये उनका मीन नंबर ऑफ़ पेन रिलीव, मीन आवर ऑफ़ पेन रिलीव आ गया पूरे पांच की पांच ब्रांड का। और ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आया है, स्टैंडर्ड एरर आया, लोअर बाउंड, अपर बाउंड, मिनिमम और मैक्सिमम, ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हमें मिल गया। एनोवा की अगर हम बात करें एफ टेस्ट की, तो 0.001 यानी सिग्निफिकेंस आई, यानी इसका मतलब है कि जो नंबर ऑफ मीन नंबर ऑफ आवर पेन रिलीव है इन डिफरेंट ब्रांड वो सिग्निफिकेंटली डिफर कर रहा है, लेकिन किन किन ब्रांड में डिफर कर रहा है। ड्रग ए और बी को देखें, यस सिग्निफिकेंट डिफरेंस, यानी ड्रग ए और बी का जो पेन रिलीफ है और दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है क्योंकि वैल्यू इज़ लेस देन 0.05। ए और सी को देखें, नॉन सिग्निफिकेंट क्योंकि 0.05 से ज़्यादा है। ए और डी को देखें, सिग्निफिकेंट डिफरेंस यानी बिकॉज 0.05 से कम है। ए और ई को देखें, नॉन सिग्निफिकेंट डिफरेंस। तो अब ए और बी तो हो चुकी है तो इसलिए बी ए को चेक करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये बिल्कुल सेम वैल्यू है। ये देखें, ए बी 0.025, बी ए 0.025। बी सी को देखें, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, ड्रग बी और सी दोनों में पेन रिलीफ में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। बी और डी को देखें, इसमें भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, ये वैल्यू है दरअसल 0.0001। बी और ई को देखें, नॉन सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। अब बी ए सी ये हो गए, ए और सी यहाँ पर हो चुकी है और बी और सी यहाँ हो चुकी है। अब यहाँ बी और डी को देखेंगे, बी और डी में नॉन सिग्निफिकेंट डिफरेंस, सी और ई में सिग्निफिकेंट डिफरेंस। वाई? बिकॉज इट इज़ प्रूव हियर, बिकॉज दिस वैल्यू इज़ लेस देन 0.05। डी और ई को देखें, इन दोनों में भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है बिकॉज दिस वैल्यू इज़ लेस देन 0.05। ये तो ई का ए बी सी से यहाँ ऑलरेडी कंपैरिजन हो चुका है, तो ये इससे हमें ये कंपैरिजन और इंटरप्रिटेशन मिल रही है कि किन ड्रग के पेन रिलीफ में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है और किन ड्रग ब्रांड्स के ड्रग में जो पेन रिलीफ है उनमें नॉन सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। इस तरह से हम जो है वो SPSS के ज़रिए एनोवा का एनालिसिस करते हैं। अब हम इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टेस्ट पर, जो कि बेसिकली है काई स्क्वायर टेस्ट। लेकिन बिफोर गोइंग टू हैव ए टेस्ट ऑफ काई स्क्वायर, फर्स्ट वी शुड अंडरस्टैंड दैट हाउ वी कैन गो फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट एंड डिटरमिन द मीन, मीडियन, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर एंड रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन और द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द डेटा। इसके लिए हमने एक सवाल सिलेक्ट किया, फॉलोइंग डेटा वर नोटेड ऑफ एयर पोल्यूशन इन माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब फ्रॉम द 50 फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। तो ये 50 फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं जिसमें जो एयर पोल्यूशन चेक किया गया उनके प्रोडक्शन एरिया का, लाइक फॉर एग्जांपल ये 68, 69 ये माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ये इनका एयर पॉल्यूशन का डेटा है। अब वो ये पूछना चाह रहे हैं कि डिटरमिन द फॉलोइंग, कि ये 50 की बेस पर ये बताइए कि मीन एयर पॉल्यूशन इन 50 फार्मास्यूटिकल कंपनीज में क्या है, मीडियन एयर पॉल्यूशन क्या है, मॉड पॉल्यूशन क्या है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है यानी मीन से प्लस माइनस, स्टैंडर्ड एरर यानी सैंपल से, और रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है। तो सबसे पहले हमने इस डेटा को, ये जो 68, 69 ये जो 50 कंपनीज हैं इनका डेटा जो होगा वो ऐड करना होगा शीट पे। तो ये हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है 68, 69, 42, 30, 36, इस तरह से हमने ये ऐड करते चले गए और 50 फार्मास्यूटिकल कंपनीज का डेटा हमने यहाँ पर ऐड कर लिया और नोट डाउन कर लिया, वेरिएबल डिफाइन कर लिया, यहाँ पे एयर पॉल्यूशन है, इसकी यूनिट माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर, स्केल डेटा है इसलिए यहाँ पे इसको स्केल से यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब हम इसके बाद आते हैं इस डेटा को एनालाइज करने की तरफ। तो इस डेटा को जब हम एनालाइज करेंगे तो हमारे पास जो मेथड है ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का है, यानी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हमें मालूम करना है। अच्छा जनाब, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हम यहाँ से भी मालूम कर सकते हैं, ऑप्शंस में जाएंगे, यहाँ पे हम ये सिलेक्ट कर लेंगे कि हमें मीन मालूम करना है, सम छोड़ देते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, मिनिमम, मैक्सिमम, वेरियंस, रेंज, स्टैंडर्ड एरर, और हाँ ग्राफ इसमें हमें नहीं मिल सकता,
तो ग्राफ के लिए हम फ्रीक्वेंसी में यहाँ पर जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम जाते हैं, यानी यहाँ पे हम इसको डेटा को सेट करते हैं, तो ये हमने सेलेक्ट किया वेरिएबल। सबसे पहले हम स्टैटिस्टिक्स में चले गए, हमने क्वार्टाइल भी हमने कहा था कि हमने मालूम किया था, क्वार्टाइल डाल दिया, मीन डाल दिया, मीडियन डाल दिया, मॉड डाल दिया, और स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, रेंज, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, स्टैंडर्ड एरर, स्क्यूनेस ऑफ डेटा, ये भी हमने डाल दिया, ये हम मालूम करना चाहते हैं। चार्ट्स में अगर हम जाएं तो हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ हिस्टोग्राम की फॉर्म में चाहिए, और इस तरह से जो है हमने ये डेटा जो था यहाँ पर पुट डाउन कर दिया। अब हम इसमें ये मालूम करना चाहते हैं कि ये इस डेटा का जो सवाल है कि इसकी मीन पॉल्यूशन, मीडियन, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड एरर क्या है। तो जब हम इसको ओके करेंगे तो हमारे पास ये कैलकुलेशन आ गई, ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का इसका डेटा आ गया। ये देखिए, एन इज इगल टू 50, 50 फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, मीन एयर पॉल्यूशन है 37.76, स्टैंडर्ड एरर है 2.29, मीडियन जो एयर पॉल्यूशन है वो 34 है, मॉड 24 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 16.20 है इसका, और वेरिएंस 262.71, और स्क्यूनेस 0.803, स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्क्यूनेस 0.337, रेंज 67 है, मिनिमम 12, मैक्सिमम 79, यानी 79 माइनस 12 करेंगे तो ये रेंज 67 निकल कर आ गई। और परसेंटाइल की अगर हम बात करें तो ये हमें ये बता रहा है कि फर्स्ट 25 परसेंटाइल में 25 हैं, 50 में 34 हैं, और 75 ऑनवर्ड में 47 है। तो ये हमारे पास परसेंटाइल डिस्ट्रीब्यूशन भी आ गई, ये यहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी का डेटा आ गया, और उसके बाद फिर ये हमारे पास चार्ट आ गया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जो हमें ये बता रहा है कि ये जो पैटर्न है इसका ग्राफ का, हिस्टोग्राम का, वो किस तरीके से है। अच्छा, अब जनाब एनालिसिस ये तो हमने मालूम कर लिया कि मीन क्या है, स्टैंडर्ड एरर क्या है, मीडियन, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरियंस, स्क्यूनेस ऑफ डेटा, स्टैंडर्ड एरर, रेंज, मिनिमम, मैक्सिमम एंड परसेंटाइल। इसके अलावा जो एक और जो कैलकुलेशन है वो रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन है, यानी परसेंटेज में हम बताएं कि ये जो डेटा है 16.2, ये मीन से कितने परसेंट वेरी कर रहा है। उसके लिए फार्मूला है, वो फार्मूला ये है, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई मीन इन 200। तो स्टैंडर्ड डेविएशन 16.20 है, अगर हम देख लें यहाँ पे, ये देख लें आप 16.20, और मीन जो है 37.76 है। तो ये हमने 37.76 लिखा इन 200, जब हमने इस फॉर्मूले से इसकी परसेंटेज निकाली तो ये आया 42.90, यानी डेटा में जो वेरिएशन है इसमें प्लस माइनस वो 42.9% है, यानी अच्छी खासी वेरिएशन है इस डेटा के अंदर, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि डेटा की जो वेरिएशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इस एनालिसिस के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं ये कंप्लाइंस जो है एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने का, यानी एयर कंट्रोल का जो इनके प्रोडक्शन एरिया में, वो अच्छा नहीं है और बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। कुछ कंपनीज़ तो ठीक है, अच्छा कर रही हैं, लेकिन कुछ कंपनीज़ का जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ रेंज जा रहा है, जिसकी बेस पर हम ये जो है, यानी ये कि जो बेसिकली ये काम जो होता है रेगुलेटरी वालों का होता है, जैसे FDA हो गई पाकिस्तान में, ट्रिप हो गई, और इसी तरीके से जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं उनकी अपने जो रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं वो इस चीज़ को एनालाइज करती हैं, तो उनको ये काम आता है। तो इसी तरह से रिसर्च करके भी हम इस डेटा को इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कोई भी चीज़ जो मीन है यानी स्टैंडर्ड है उससे कितना वेरी कर रही है। तो ये था हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेशन, और इसके साथ ही हमने आज का लेक्चर मुकम्मल कर लिया। अब रह गया है एक टेस्ट और रह गया है, जो कि काई स्क्वायर टेस्ट है। वो ज़रा थोड़ा सा लंबा टेस्ट है, उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो उसको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू एंड टॉक टू यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।